हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड आउटब्रेक। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया था कि बैकग्राउंड क्या था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वॉर के बाद में जो अत्याचार हो रहे थे, अत्याचार किस सेंस में, खाने की कमी थी, लेबर की कमी थी, ठीक है, महंगाई बढ़ रही थी और इंडस्ट्रियल डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। तो ये जो सारी चीज़ें हमने देखी थी, उसके चलते क्या है, उसके चलते रेवोल्यूशन के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बन गया था। कहाँ पर बना था फर्टाइल ग्राउंड? रशिया में बनेगा ना। अब देखो क्या है, तो अब हमने ये देखा था कि लोग जो थे नाखुश थे, और जब लॉकआउट होता है तो लोग क्या करते हैं, रोड पे उतर आते हैं। डेट कौन सी थी? 22 फरवरी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां से एक बैकग्राउंड के साथ में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। लेकिन अभी लोग आए हैं, पुलिस उन पर नजर रख रही है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिसे हम रेवोल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि आउटब्रस्ट कहां पे होता है, किस कारण से लोग जो अभी आए थे अब वो चेंज की डिमांड और तेज कर देंगे, ठीक है। तो वो समझने वाले हैं हम। क्या होता है, 25 फरवरी 1917 गवर्नमेंट, अब देखो गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सार है, क्योंकि सार में ही गवर्नमेंट समाई हुई है। तो 25 फरवरी 1917 पे सार जो होते हैं वो क्या करते हैं, ही सस्पेंडेड दी डूमा। अब डूमा को जो उन्होंने बनाया था, उस डूमा को उन्होंने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। किसने सस्पेंड कर दिया? सार ने। क्यों सस्पेंड किया होगा? देखो मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन क्या थी सिटी में, फूड शॉर्टेज थी, ये सारी समस्याएं थी, बैड वेदर कंडीशंस थी, और उसी के साथ साथ में राजा की इच्छा थी, ठीक है। क्या सार वॉज हैविंग डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। अब उन्होंने अपनी इच्छा को क्या कर दिया, एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि यार मेरी इच्छा है ड्यूमा डिसॉल्व करने की, तो उन्होंने ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया। अब लेकिन जब उन्होंने ड्यूमा को डिसॉल्व करा तो लोग नाच गा नहीं रहे थे, लोगों को बड़ा गुस्सा आया इस चीज पे। पॉलिटिशियंस क्रिटिसाइज दिस, लोगों ने बोला कि यार ये तो बहुत गलत किया, राजा अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड ऑन द स्ट्रीट ऑन 26th। अब देखो क्या है, अभी तक इसके पहले तक क्या था, इसके पहले तक डेमोन्स्ट्रेटर्स खुद प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, उन्हें कोई लीड नहीं कर रहा था, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ लीडरशिप उनका प्रोटेस्ट ऐसा था कि चलो ठीक है प्रोटेस्ट करेंगे, राजा मान जाएगा तो मान जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अब ये डेमोन्स्ट्रेटर्स जो फिर से प्रोटेस्ट करने आ गए 26 फरवरी को, तो उनके साथ में पॉलिटिशियंस भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस को ऐसा लग रहा था कि हाँ अब लोगों के हिसाब से लोगों को अब क्या कर देना चाहिए, एक तरह से एक रेवोल्यूशन ले आना चाहिए, क्योंकि अब राजा अति होते जा रही है। तो अब ये जो फिर से डेमोन्स्ट्रेटर्स आए 26 फरवरी को, तो अब ये पावरफुल वे में आए थे, इनके पास में अब लीडरशिप थी इन पॉलिटिशियंस की, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटर्स फिर से आते हैं 26 फरवरी को। अब क्या होता है आगे सामने, तो 27 फरवरी को जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे, देवर रैनसैक्ड, पुलिस हेडक्वार्टर्स पे हमला कर दिया, हथियार लूट लिया वहां से सारी चीजें 27 फरवरी पे। फिर क्या होता है, प्रोटेस्ट फॉर ब्रेड वेजेस बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी गॉट स्ट्रेंथन। तो जो प्रोटेस्ट हो रही थी तो इसी चीज के लिए हो रही थी कि हमें क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए। ब्रेड मतलब ऐसा नहीं कि राजा ब्रेड दे दे, मतलब कुल मिला के आप क्या करो कि खाने की कमी आप उस चीज को खत्म करो, वेजेस सही मिलना चाहिए, बेटर आर्स मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। राजा ने जो डूमा सस्पेंड कर दिए तो ये पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है और हमें ये पसंद नहीं है, ठीक है। लोगों का जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनका सीधा सा नारा था क्या, ब्रेड वेजेस बेटर आर्स एंड डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे वो लोग, ठीक है। तो इस डिमांड के साथ में क्या कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, आप भी ये सोच रहे होंगे कि भैया गवर्नमेंट के पास पावर होती है, अब हथियार मान लिया लूट लिए, लेकिन इतने ही हथियार थोड़ी ना थे, और भी हथियार थे, गवर्नमेंट क्या कर सकती, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती थी प्रोटेस्ट को। तो जी हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट ने कोशिश की। क्यों कह रहा हूं मैं, वो समझाता हूं मैं। गवर्नमेंट कॉल्ड दी कैवलरी टू कंट्रोल दी सिचुएशन। गवर्नमेंट ने क्या करे, अपनी पुलिस फोर्सेज, अपनी कैवलरी, अपने जो सैनिक थे उन लोगों से बोल दिया कि कंट्रोल करो ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर्स को, ठीक है, इन डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर गोलियां चला दो, कुछ भी करो, तुम कंट्रोल कर लो बस। अब लेकिन यहां पे चीजें बदल जाती क्या, कि बट दी कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन दी डेमोन्स्ट्रेटर्स। ऐसा क्यों हुआ, देखो मैं बताता हूं। मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली स्लाइड में क्या, कि लोग जो थे, जो मतलब सोल्जर्स थे, दे वर नॉट विलिंग टू फाइट सच अ वॉर, मतलब वो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे ऐसी लड़ाई जहां पे उन्हें दिख रहा था कि हमारे राजा से कुछ बन नहीं रहा है, वो तो हमारे बल पे लड़ा जा रहा है बस, ठीक है। तो यहां पे अब जब डेमोन्स्ट्रेटर्स आए और डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया राजा ने कि ये डेमोन्स्ट्रेटर्स मेरे अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरी कैवलरी में बोलूंगा तो डेमोन्स्ट्रेटर्स को क्या कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी। लेकिन यहां पर राजा का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो कैवलरी थी, जो सैनिक थे, उन लोगों ने मना बोल दिया कि हम डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपसे कुछ होनी है राजा, अब आप क्या कर दो, अपना सिंहासन छोड़ दो, ठीक है। वाई का कारण आ गया समझ में, क्यों? क्योंकि अब जो कैवलरी थी वो किसके साथ हो गई थी, जनता के साथ हो गई थी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तरह से म्यूटिनी देखने को मिली। क्या म्यूटिनी, क्या होता है म्यूटिनी, मतलब प्रोटेस्ट कर दिया। किसने प्रोटेस्ट कर दिया? आर्मी ने
अपने राजा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये म्यूटिनी देखने को मिला, और इस म्यूटिनी के चलते क्या होता है कि जो कैवलरी थी, कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोंस्ट्रेटर्स। अब राजा क्या है, देखो बिना हथियार का राजा कोई काम का नहीं है, तो वैसे ही राजा का जो हथियार था, राजा की जो आर्मी थी, आर्मी ने साथ देने से मना बोल दिया है, अब राजा क्या कर लेंगे, ठीक है। तो सेंस में अब राजा निहत्ते थे एक तरह से देखा जाए तो सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ये जो सोल्जर्स थे जिन्होंने गोली चलाने से मना बोला, और ये जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, तो इन सभी लोगों ने क्या, दे फॉर्म्ड सोवियत और काउंसिल, ठीक है। और इस सोवियत और काउंसिल को क्या कहा गया, पेट्रोग्राड सोवियत, ये समझाता हूँ। रशियन लैंग्वेज सोवियत का मतलब होता है काउंसिल, ग्रुप बनाना। तो अब ये जितने भी प्रोटेस्टर्स थे, इन सारे प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, और इन्होंने सारे प्रोटेस्टर्स ने एक साथ मिलकर, सोल्जर्स ने, स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने मिलकर काउंसिल बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। उस ग्रुप को क्या कहा गया, सोवियत कहा गया, और मतलब सोवियत यानी ग्रुप होता है, काउंसिल होता है। और जो पेट्रोग्राड में ऐसा ग्रुप बना था, इस ग्रुप का नाम हो गया पेट्रोग्राड सोवियत। पेट्रोग्राड सोवियत क्या है, क्योंकि पेट्रोग्राड सिटी में इस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट करके ग्रुप बनाया था, इसलिए इसे पेट्रोग्राड सोवियत कहा गया है। क्लियर है ना यहां तक? तो अब ये पेट्रोग्राड सोवियत हो गया हमारा। अब पेट्रोग्राड सोवियत के बाद में क्या होता है, देखो अब ये जो ग्रुप बना है, तो ये ग्रुप कहां जाएगा, अ डेलीगेशन वेंट टू सार। तो पेट्रोग्राड सोवियत में जो एक ग्रुप बना था, ये पूरा का पूरा ग्रुप जाता है सार के पास में, सार राजा के पास में। अब राजा, देखो राजा के पास में कोई पावर नहीं एक तरह से देखा जाए तो अभी, लेकिन लोगों ने ग्रुप बनाया। अब ये ग्रुप का एक डेलीगेशन, एक कुछ लोगों का एक छोटा ग्रुप, वो कहाँ जाएगा, राजा के पास में जाएगा। अ डेलीगेशन वेंट टू सार, सार के पास जाके ऐसा नहीं बोलेंगे कि राजा अब क्या करना है, उन्होंने सीधी सी चीज बोली क्या, कि अब हम लोग पावर में हैं, हमारा ग्रुप बन चुका है पेट्रोग्राड सोवियत, अब हम क्या चाहते हैं कि आप अपनी जगह छोड़ दो, ठीक है, सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है। तो यहाँ पे राजा से वो लगा कि अब तुम सिंहासन छोड़ दो, जनता आ रही है। तो सार के जो मिलिट्री कमांडर थे, ही एडवाइज्ड हिम टू एबडिकेट। उन्होंने बोल दिया कि राजा आप देखो, ना मैं आपको बचा पाऊंगा, ना खुद बच पाओगे आप, क्यों, क्योंकि जनता आ रही है, जनता के पास में पावर है, आपकी आर्मी ने उनके ऊपर मतलब उनका साथ दे दिया है, सोल्जर्स ने उनका साथ दे दिया है, तो अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो सार्स मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू एबडिकेट। अब मिलिट्री कमांडर ने जो बोल दिया सिंहासन छोड़ी दो, तो फाइनली ही एबडिकेटेड ऑन 2nd मार्च। 2nd मार्च पे वो क्या कर देते हैं, एबडिकेट कर देते हैं, मतलब अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब जैसे न्यूज़पेपर में न्यूज थी, दी सार ऑफ रशिया एबडिकेट्स, तो राजा ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है, क्लियर है। अब हम देखें तो फाइनली क्या होता है, मोनार्की खत्म हो गई है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद में। अब एक चीज ध्यान रखना, वो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैलेंडर का डिफरेंस है बस, तो जो भी इवेंट्स फेब्रुअरी में हुए हैं वो कब कंसीडर किए जाते हैं, उनको 13 दिन आगे कर दो आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। तो सारा आज की डेट में सारी चीजें मार्च के हिसाब से हुई है, लेकिन आप फरवरी ही लिखना एग्जाम में, ठीक, वो तो आपको जनरल नॉलेज के लिए समझा दिया मैंने। अब क्या होता है कि सार के मिलिट्री एडवाइजर ने उन्हें जगह छोड़ने के लिए एडवाइस किया, और सार जो है वो जगह छोड़ देते हैं 2nd मार्च पे। फिर क्या होता है, आफ्टर दिस सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। ये क्या है वो मैं समझाता हूँ। अब देखो मोनार्की खत्म हो गई है, ठीक है, अब रूल कौन करेगा, सवाल ये भी है ना, उन्हें फिर से मोनार्की थोड़ी ना लाना थी। तो ये जो लीडर्स थे जिन्होंने सोवियत बनाया था, पेट्रोग्राड सोवियत बनाया था, तो ये सोवियत लीडर्स और जो डूमा के पुराने लीडर्स थे जिन्हें सार ने सस्पेंड कर दिया था, तो ये डूमा के लीडर्स, ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं, सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स मिलके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेते हैं। बोलते हैं कि अभी के लिए देश को चलाने के लिए हमें एक गवर्नमेंट चाहिए रहेगी, तो वो प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गया समझ में आपको, तो इस तरह से एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई जो देश को चलाएगी, ठीक है। अब देश को चलाने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी या फिर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है वो ये बताता कि अब सबको वोटिंग राइट मिला, सबको यानी मेन को, वुमेन को, प्रॉपर्टी नॉन प्रॉपर्टी सभी को, सभी को वोटिंग राइट दिया गया। एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को काम दिया गया कि भैया चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तैयार करो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अब पूरी दिशा बदल गई है रशिया की, रशिया ने यहाँ से अपने आप को वॉर से भी विड्रू कर लिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि क्या है कि इस इंसिडेंट्स के बाद में अब जब प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास पावर आएगी तो अभी अब थोड़ा रुक के आएगी, अक्टूबर तक रशिया अपने आप को क्या कर लेगा, वॉर से भी बाहर निकाल लेगा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया बोल देगा हमें नहीं लड़ना भैया, ठीक है तुम लड़ते रहो आपस में, तो वही सारी चीजें होगी, ठीक। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, फाइनली फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रॉट डाउन द मोनार्की, जो मोनार्की है तो वो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या हो गई, खत्म हो जाती है कंप्लीट। यहां पे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद में मोनार्की को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो ये आपको क्रक्स है, ठीक है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के ध्यान रखना है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रॉट डाउन दी मोनार्की, ये क्रक्स है, इसे ध्यान रखना है आपको हमेशा के लिए, क्लियर है। पटाखे वटाखे फोड़ लो जरा सब जाके अपने छत पे कि यहां से क्या हो गया है, अब मोनार्की खत्म हुई है,
अब देखो क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ सही हुआ, मोनार्की खत्म हो गई, फिर एक और रेवोल्यूशन क्यों पढ़ेंगे हम आगे अक्टूबर, उसके पीछे कारण है। तो वो कारण मैं आपको समझाऊंगा कि फरवरी से अक्टूबर के बीच में जो भी हुआ उसी के कारण क्या होता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है। तो वो हम पढ़ेंगे आफ्टर फरवरी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। अभी के लिए अब आपको एक बार रिकैप करवा दें फिर से। तो फरवरी रेवोल्यूशन क्या था कि सिचुएशन बिगड़ी, सिचुएशन बिगड़ने के चलते क्या है कि लोग धीरे धीरे प्रोटेस्ट करने लगे, 22 फरवरी से आना स्टार्ट होते हैं, तो वो लोगों ने इकट्ठा करना अपने आप को स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 25 पे क्या होता है कि जैसे ही सार क्या करते हैं, डूमा को सस्पेंड करते हैं, 26 फरवरी को फिर से लोग रोड पर आ जाते हैं। इस बार उनको पॉलिटिशियंस भी सपोर्ट कर रहे थे, मिलिट्री को ऑर्डर दिए गए थे कि इनको कंट्रोल करो, लेकिन मिलिट्री ने भी क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। और इस तरह से फिर सोल्जर्स और जितने भी लीडर्स थे, स्ट्राइकिंग वर्कर्स जो थे, ये सभी लोग मिलकर पेट्रोगार्ड सोवियत बनाते हैं। वो सोवियत राजा के पास जाती है, राजा को फोर्स करते हैं, नो यू आर रिक्वायर्ड टू एबडिकेट, छोड़ दो सिंहासन। फिर राजा सिंहासन छोड़ते हैं, वो लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के बेसिस पे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मिलती है, लोगों को वोटिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। और इस तरह से फरवरी रेवोल्यूशन क्या करता है, फरवरी रेवोल्यूशन के चलते जो मोनार्की थी वो खत्म हो जाती है, कहाँ पर, रशिया में, ठीक है। ये कहानी हमारी हो गई, मतलब हम आधे से ज़्यादा चीज़ें पढ़ चुके हैं। क्या क्या, 1905 रेवोल्यूशन हो गया, फरवरी रेवोल्यूशन हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे बता दिया ना मैंने आपको, अब हम देखेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के लिए ग्राउंड कैसे तैयार हुआ था, क्या था अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।